लगभग 1.5 घंटे बर्बाद कर दिए मैंने इस इडियट मूवी को देखने के लिए। आज की इस वीडियो में बात करूंगा हेलो चार्ली मूवी के बारे में, जिसे अमेजोन के ऊपर रिलीज किया गया। एक बार तो यार अमेजोन वालों के लिए क्लैपिंग बनती है, जो इतनी इतनी घटिया कंटेंट, वाहियात कंटेंट अपने OTT प्लेटफॉर्म पर मतलब लेकर आते हैं। और जो इसके मेकर्स हैं, इस मूवी के मेकर्स हैं, मुझे लगता है कि यार वो उनके घर पे ना नार्कोटिक्स को जाना चाहिए और नार्कोटिक्स को उनकी एक एक चीज चेक करनी चाहिए। कौन सा घटिया नशा, कौन सा सस्ता नशा लेकर वो ऐसी मूवीज, ऐसे मतलब ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं। मतलब इनके मेकर से यार कमाल की बात है, इतना घटिया इतना वाहिया सोच कर ये रिलीज करने की अपने अंदर हिम्मत लेकर आ जाते हैं और ये रिलीज कर देते हैं। यार भले ये मूवी कितनी भी बकवास हो, वाहियात हो, इडियट हो, इसमें कोई भी लॉजिक ना हो, इसके मेकर्स ने भले ही इतना कचरा बना के रख दिया हो, लेकिन इसके मेकर से आप एक चीज बहुत अच्छे से सीख सकते हो, वो ये कि इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान होता है, कंफ्यूज होता है अपने करियर को लेकर, या उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। एटलीस्ट इसके मेकर्स, इस मूवी के मेकर्स को देखकर उसे ये तो यकीन हो जाएगा उसे क्या नहीं करना है। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा इसके मेकर्स को, अगर तुम्हें इतना ही शौक है पैसे फूंकने का, यार अपने घर में रखो, उन घर में ही रखकर उन पैसों को आग लगा दो, कम से कम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं होगा। इस मूवी में कोई भी सिंगल ऐसा सीन नहीं होगा जिसके ऊपर गलती से भी हंसी आ गई होगी। यार इसकी कहानी, वो क्या कहानी लिखी है यार, तुम राइटर्स की तारीफ करते रहे मतलब थकोगे नहीं। मतलब एक MD मकवाना नाम का इंसान, जिसने बहुत सारे पैसे खा रखे, करोड़ों में पैसे खा रखे बहुत सारे बैंक्स के, तो वो देश से भागने की कोशिश करते हैं और उसे वो एक आइडिया आता है कि बंदर की कॉस्ट्यूम पहनकर देश से भागा जाए। मतलब सोच सकते हो ये जो कंटेंट, ऐसी मतलब इतना बढ़िया सोचने के लिए कितना दिमाग खर्च हुआ होगा, कितने रातों की नींद खराब हो गई होगी इतना बढ़िया सोचने के लिए और हमारे सामने ये पेश करने के लिए। और फिर तो इन्होंने और ही ज्यादा अलग से लेवल का सोच लिया कि एक गोरिल्ला क्यों, दो गोरिल्ला डाल देते हैं, एक असली एक नकली, भले ही दोनों नकली लग रहे हो, इनकी कॉस्ट्यूम इतनी वाहियात हो कि भी दोनों को देखकर ही आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा फेक है, मतलब फेक या कौन सा असली, कुछ भी यार जो भी है, इतने इतनी घटिया कॉस्ट्यूम। थोड़ा बहुत मतलब इस मूवी की लेंथ ही कम कर लेते, इसको 1 घंटे में निपटा लेते, उसमें जो थोड़ा बहुत जो टाइम बच गया उसमें जो टाइम रुपए खराब नहीं होते वो इस कॉस्ट्यूम में लगा लेते। तो इसके मेकर्स ने दो गोरिल्ला डालने की सोची, एक फेक और एक असली, और जो फेक था नहीं, जो असली है वो लोगों को इसलिए दिखाने चाहते थे कि हाँ देखो ये असली है, भले वो फेक लग रहा हो, लेकिन दोनों ने तो जनता को बेवकूफ समझा है ना कि हाँ मान लेंगे जैसे जैसे हम दिखाएंगे। और फिर अपनी थर्ड क्लास की वो घटिया कॉमेडी इसके अंदर डाल देनी थी। देखो यार आज की डेट में लोगों के अंदर होड़ मची हुई है कि कौन किससे आगे निकले, अपने इस कम्पिटिटिव तौर में वो अपने एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, एक दूसरे से बढ़िया काम करना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड इसका अपोजिट चल रहा है, वो इसके ऊपर है कि तूने मुझसे ज्यादा घटिया कंटेंट बनाया कैसे, मैं तुझसे ज्यादा घटिया कंटेंट बना के दिखा दूं। कोई भी हिंदी मूवी या हिंदी सीरीज तुम चक्कर देख लो, कुछ एक गिनी चुनी हटा देना, बाकी जितनी भी देख लो इतने बकवास पे बकवास, इतनी वाहियात, इतनी घटिया, मतलब हद होती है यार एक लेवल तक सोचने की, हगने की एक सीमा होती है, इन्होंने तो वो सीमा तक पार कर दी है। बाबा आदम जमाने की वो कॉमेडी डाल देंगे इसके अंदर, फिर लास्ट में सब लोगों को इकट्ठा कर देंगे कि हाँ भाई चलो जो तुम्हें मर्जी आए वो कर लो, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, बस हाँ लोगों को हंसाने के लिए अजीब वो गरीब जरूर हरकतें कर देना। ये वाली जो लास्ट में जो इन्होंने कॉन्सेप्ट पकड़ा है ना, कितनी सारी मूवीज में हम ऑलरेडी देख चुके हैं और उन मूवीज में कम से कम वो देखकर हंसी तो आ जाती थी, इसको देखकर उल्टी आने का मन हो जाता है। ऐसे हगे हुए कंटेंट को देखते हैं तो सच में सर में दर्द हो जाता है। माना कि यार जो भी कॉमेडी मूवी होती है उनमें हम लॉजिक नहीं ढूंढे क्योंकि यार एक फन के वे से हमें वो देखनी होती है, लेकिन यार उसमें कम से कम तुम VFX, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स उसके ऊपर तो ध्यान दे लो, क्या उसके लिए भी तुमने मतलब पैसे बचाए नहीं थे, इतने सारे पैसे तुमने इसके ऊपर बर्बाद कर दिए, लेंथ ही कम कर लेते उसकी। अरे इसको बड़े तो छोड़ो यार, बच्चे भी इसको ना देखें, उनके अंदर भी इतनी कॉमन सेंस होती है कि कौन सी अच्छी मूवी और कौन सी घटिया मूवी है। बॉलीवुड या तो कॉपी पेस्ट मारेगा या फिर कुछ भी है, उसने अपना खुद भी सोचने की कोशिश की, ऐसा घटिया ऐसा बेकार ऐसा कंटेंट वो सोचकर हमारे सामने परोस देगा। मेरी तरफ से इस बकवास इस इडियट मूवी को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10। सर शुक्र इसको 0 तो मिल रहे हैं, मतलब इसको 0 भी देने का मन नहीं कर रहा, इतना वाहियात इतना गुस्सा आया हुआ है, इसको 1.5 घंटे से भी ज्यादा इस मूवी को देखा है यार। ऐसी ऐसी मूवीज आ रही हैं, मतलब क्या सोचकर वो इतनी इतनी बकवास सोच रख रखी है यार इन लोगों ने, क्या सोचकर इन्होंने ये मूवीज रिलीज करने की सोची, ये सोचा होगा इनके अंदर कॉन्फिडेंस, देखो यार तुम लोग, मतलब इन्होंने देखा होगा कि हाँ जनता जो है वो इस मूवी को देख लेगी,
क्या बात है यार, कॉन्फिडेंस होता इन जैसा हो मतलब तो हो ही ना फिर तो। अगर किसी ने इस बकवास इस इडियट मूवी को गलती से देख लिया तो प्लीज कमेंट कर देना कि यार तुम लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखा है तो यार कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी समझ आ गई होगी ये वीडियो देखकर कि इस बकवास मूवी को देखने का कोई तुक नहीं बनता। अपने जीवन के वो 1 घंटे से भी यानी 1.5 घंटे से भी ज्यादा जो समय है वो किसी अच्छी चीज को सीखने में लगा दो, बहुत फायदेमंद रहोगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।